नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां मुफसिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर निजामत गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। गोली लगने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ घटना स्थल पर जुट गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मुफसिल थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक की पहचान मुफसिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर निजामत सपना गांव के वार्ड संख्या 17 निवासी नंदलाल राय के 50 वर्षीय पुत्र हरिश्चंद्र राय उर्फ पुलिस राय के रूप में की गई है। घटना के बाद से मृतक के घर कोहराम मचा हुआ है, सभी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उधर घटना के संबंध में मृतक के परिजनों का बताना है कि गुरुवार 14 मार्च की रात मृतक खाना खाकर जितवारपुर सपना गांव स्थित अपने घर के दरवाजे पर सोने चले गए थे। जब वह सुबह के 6 बजे तक सोकर नहीं उठे तो घर के लोग उन्हें जगाने पहुंचे, जहां कंबल उठाकर देखा तो मौके पर उनकी रक्तरंजित लाश पड़ी हुई थी, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। परिजनों का बताना है कि रात के करीब 11 बजे वे खाना खाकर सोने चले गए थे, इसलिए यह घटना 12 बजे रात के आसपास हुई होगी। परिजनों का यह भी बताना है कि किसी अज्ञात बदमाशों ने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी होगी। हालांकि घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुट गई है। फिलहाल मुफसिल पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। वो 6 बजे जब सुबह में जब उठाई है ना चाय पीने के लिए, तब जाकर आए थे कम्बल उठा कर देखा है तो पूरा खून खून है, तब करना स्टार्ट हो गया। हाँ, दो खोखा मिला है, एक तो ऐसे यहाँ पर लगा है, एक तो इस पर लगा हुआ है। जी, जितवारपुर सपना नामक जगह में एक व्यक्ति हरिश्चंद्र राय की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पुलिस ने कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल से गोली का खोखा बरामद हुआ था।